देखिए लग चुके हैं, तो यहाँ पे पवन भाई जो है पीस की ओर लग चुके हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सत्यम भाई चावल की ओर लग चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों चैलेंजर में से कौन यहाँ पे आगे सेकंड हुए। बस पवन भाई थोड़ा सा और जो है आप इसको खींच दीजिए, आप यहाँ पे सत्यम भाई तो जीत जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बस थोड़ी सी और बचा हुआ है सत्यम भाई का भी। यहाँ पे देखिए दोनों चैलेंजर धुआंधार तरीके से खाते हुए, और यहाँ पे मामला जो है बहुत ही पेचीदा हो चुका है। काछी शो यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारी थाली में डबल स्पाइसी मटन करी और चावल खाने का ईटिंग चैलेंज लगा हुआ है। तो देखेंगे कौन सा प्रतिभागी सिर्फ खाने का मजा लेके जाता है और कौन रियलमी 9 Pro Plus मोबाइल जीत कर अपने घर ले जाता है। तो दोस्तों मैदान में दोनों चैलेंजर यहाँ पे उतर चुके हैं। तो पहले नंबर पे हमारे सत्यम भाई बैठे हुए हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे पवन भाई बैठे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन आज यहाँ पे ये जो फोन है रियलमी 9 प्रो प्लस बिल्कुल चमकता हुआ एकदम नया फोन है, कौन यहाँ पे जीत के जाता है और कौन यहाँ पे इस फोन को यहाँ पे हार के जाता है, निराश होकर जाता है। मैं लेके जाऊंगा इसको। अरे ठीक है भाई, देखते हैं। अरे मैं लेके जाऊंगा इसको अभी। तो अभी देखें यहाँ पे दोनों चैलेंजर में लड़ाई हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे इस फोन को आज कौन सा चैलेंजर जीत के जाता है और कौन यहाँ पे हार के जाता है। तो यहाँ पे बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे खाना शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे टाइमर को ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए टाइमर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, पवन भाई और सत्यम भाई, आप दोनों लोग यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होने वाला है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे भी टाइमर स्टार्ट हो चुका है और दोनों यहाँ पे चैलेंजर बहुत ही धुआंधार तरीके से देखिए लग चुके हैं। तो यहाँ पे पवन भाई जो है पीस की ओर लग चुके हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सत्यम भाई चावल की ओर लग चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों चैलेंजर में से कौन यहाँ पे आज जीत के जाता है और कौन यहाँ पे जो है बाजी को हार के जाता है। वैसे जहाँ तक है मेरा इस हिसाब से कि पवन भाई यहाँ पे लगभग हार जाते हैं और सत्यम भाई यहाँ पे अभी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मैदान में उतर रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है यहाँ पे सत्यम भाई भी आज हार का सामना जो है करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए पवन भाई को यहाँ पे देखिए मटन की जो पीस है वो बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे शिकारी लेके खा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जो है सत्यम भाई यहाँ पे पानी भी बार बार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये चावल को पहले पूरी तरह से जो है थाली पर लग चुके हैं और अपना एक्सीलेटर पूरी तरीके से चालू कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए पवन भाई को अब यहाँ पे इन्होंने भी अपना एक्सीलेटर चालू कर दिया है फुल तरीके से, और यहाँ पे अब ये भी जो है पीस को छोड़ करके चावल की ओर लग चुके हैं, जो कि हूबहू सत्यम भाई की यहाँ पे नकल की जा रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे पवन भाई बहुत ही जोरों शोरों से खाते हुए और सत्यम भाई भी बिल्कुल तरीके से लग चुके हैं, और यहाँ पे लगभग 1 मिनट 3 से 5 सेकंड हो चुके हैं और सत्यम भाई का यहाँ पे चावल लगभग खत्म हो चुका है, और यहाँ पे पवन भाई का अभी जो है चावल काफ़ी बचा हुआ है। तो यहाँ पे सत्यम भाई की पीस पूरी तरीके से अभी बची हुई है। तो दोनों चैलेंजरों से कहना चाहूँगा आप बहुत ही स्पीड तरीके से खा रहे हैं, तो है अगर कुछ होता है तो हमारे इस वीडियो और चैनल की कोई भी जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि आज जो है इनाम के तौर पर रखा हुआ है यहाँ पे रियलमी 9 Pro Plus का फोन, जो कि यहाँ पे दोनों चैलेंजर को जीतने में यहाँ पे मजबूर कर रहा है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे आज कौन इस मटन के चैलेंज को जीत करके और फोन घर लेकर के जाता है, कौन यहाँ पे निराश होकर जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही धुआंधार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों चैलेंजर बहुत ही बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए पवन भाई आराम आराम से अब यहाँ पे खा रहे हैं और अपनी स्पीड को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सत्यम भाई का पूरी तरीके से चावल खत्म हो चुका है और पवन भाई का भी थाली में बचा हुआ है। पवन भाई यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सत्यम भाई ने एक बार कर भी लिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए इस हिसाब से देखिए सत्यम भाई कितने जोरों शोरों से लग चुके हैं यहाँ पे पीस की और बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मिर्ची देखिए ऑप्शनल है और पवन भाई ने किनारे साइड में निकाल के रख दिया है। सत्यम भाई आप भी मिर्ची अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए किस हिसाब से यहाँ पे सत्यम भाई ने पूरा मुंह पर भर लिया है और इसको तोड़ तोड़ के निचोड़ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पवन भाई का भी थोड़ी सी चावल बचा हुआ है, बस ये खत्म ही होने वाला है। 2 मिनट 22 सेकंड हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चैलेंज हो रहा है, और इस हिसाब से धुआंधार देखिए किस हिसाब से यहाँ पे सत्यम भाई जो है इसको निचोड़ निचोड़ के और चूस चूस के खा रहे हैं यहाँ पे मटन की पीस को। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से चैलेंज हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे पवन भाई को किस हिसाब से शिकारियों के साथ खाते हुए। मुझे तो यहाँ पे दोनों चैलेंजर आज जो इनकी स्पीड जो है बहुत ही धुआंधार लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इनाम के तौर पर रखा हुआ है वो फोन का मामला है, अगर जो है किसी भी हाथ से फोन निकल जाता है तो उसे बहुत ही निराशा होगी और वो बहुत ही निराश होकर के अपने घर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा बचा हुआ है पवन भाई का, और यहाँ पे सत्यम भाई का थोड़ी सी ग्रेवी यहाँ पे रह गई है। तो यहाँ पे पूरी थाली साफ करके दिखाना सत्यम भाई, कोई भी यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी, जैसे यहाँ पे जो है पवन भाई का जो है साफ होने चल रहा है। तो यहाँ पे 3 मिनट 6 सेकंड हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया दोनों का चैलेंज बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी बहुत पवन भाई की तरफ से रुकावट का सामना करते हुए पवन भाई हमारे, और यहाँ पे सत्यम भाई बहुत ही मजे के साथ खाते हुए और बहुत ही आराम आराम से स्लो तरीके से खा रहे हैं। पहले जो इनकी स्पीड थी बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि इनको चबाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे देखिए पवन भाई बहुत ही धुआंधार तरीके से खाते हुए और ये बहुत ही मजे के साथ मटन का मजा ले रहे हैं। क्या बात है, चैलेंजर हो तो हमारे पवन भाई के जैसे बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पे सत्यम भाई की जो है काफ़ी जो है यहाँ पे ग्रेवी भी बची हुई है, और सत्यम भाई को भी कहना चाहूँगा जो है दबा के खाइए और जोरों शोरों से खाइए, थोड़ा सा एक्सीलेटर अपना और बढ़ा दीजिए, नहीं तो आज पवन भाई आपको हरा करके जो फोन अपने घर ले जाएंगे और आपको बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सत्यम भाई ने जो है पूरी थाली को अपनी तरफ घुमा लिया है और अब जोरों शोरों से यहाँ पे लगने चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए सत्यम भाई को और यहाँ पे देखिए पवन भाई को, दोनों के इसमें जो है लगभग थोड़ा बहुत ही स्पीड जो है हिसाब से बनी हुई है, और यहाँ पे इनका जो है थोड़ी बहुत स्पीड दोनों की कम हो चुकी है। पवन भाई ने एक भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और यहाँ पे सत्यम भाई बार बार पानी का इस्तेमाल करते हुए इस हिसाब से यहाँ पे जो है इनका पेट भर चुका होगा लगभग सत्यम भाई का। तो अभी यहाँ पे ये जो है थोड़ी धीरे तरीके से खाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे 4 मिनट 16 सेकंड हुए, बस पवन भाई थोड़ा सा और जो है आप इसको खींच दीजिए, आप यहाँ पे सत्यम भाई तो जीत जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बस थोड़ी सी और बचा हुआ है सत्यम भाई का भी। यहाँ पे देखिए दोनों चैलेंजर धुआंधार तरीके से खाते हुए और यहाँ पे मामला जो है बहुत ही पेचीदा हो चुका है, और यहाँ पे देखना है कि कौन यहाँ पे पहले खा करके मुंह खोल के दिखाता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सत्यम भाई थोड़ी सी थाली और साफ करिए, पवन भाई थोड़ी सी और आपकी बची हुई है जल्दी से उसको साफ कर लीजिए। यहाँ पे
सत्यम भाई का जो है मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका बहुत ही ज़्यादा बच चुका है और 4 मिनट 44 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे बस मुंह खोल के आपको दिखाना पवन भाई लग रहा है यहाँ पे सत्यम भाई हार का सामना करते हुए। जल्दी से दोनों चैलेंजर यहाँ पे जो है लग चुके हैं अपनी स्पीड की ओर और यहाँ पे जो है बस पवन भाई का थोड़ा सा होने वाला, सत्यम भाई का भी होने वाला। बहुत ही बढ़िया, बहुत स्टॉप हो चुका है 4 मिनट 59 यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और सत्यम भाई यहाँ पर मुंह खोल के दिखा चुके हैं। पवन भाई आप जीतने वाले थे लेकिन आपने थोड़ी सी जो है देरी कर दी, नहीं तो आज आप जो है जीत के जाते। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही जो है निराशा हो रही है पवन भाई के लिए कि आज यहाँ पे ये जीत नहीं पाए हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी यहाँ पे दोनों चैलेंजर हाथ हाथ धो के फ्री हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये जो फ़ोन है हमारा Realme 9 Pro Plus का, तो हम यहाँ पे भाई सत्यम भाई को देना चाहेंगे। तो सत्यम भाई जी ये आपका जो फ़ोन है ये आज से आपका हो गया और इसको आप ले जा करके अपने घर में भी दे सकते हैं, इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोन पाके आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप हमारे दर्शक को बता दीजिए यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, फ़ोन मिला मुझे ये। चलिए तो यहाँ पे पवन भाई आज आप निराश हो रहे हैं, मुझे बहुत ही दुख के साथ यहाँ पे कहना पड़ रहा है पवन भाई यहाँ पे पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।